इवनिंग रूटीन, क्योंकि ना इस टाइम ही मुझे टाइम लगा है कि मैं इस रूम की सफाई करूं। ये देखिए मेरे रूम की क्या हालत हो रखी है, बच्चों ने क्या हालत कर रखा है, बेड भी ये देखिए भाई कहाँ से इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया, कितना फर्क कर दिया भाई बेड में। चलो उठो, अच्छा पहले बेड सेट करो, बेड सेट करो। और देखा जाए तो हमारा पंखा भी साफ होने का हो रखा है, अब तो चल रहा है, ये आपको नजर नहीं आएगा, तो जब रोकेंगे फिर साफ कर। हिमांशु इसको साफ करेगा, क्योंकि हिमांशु ना बड़ा है, इसका हाथ चला जाएगा, इसकी हाइट काफी है, और ये ना सोच में पड़ गया कि मैं कैसे पंखा साफ करूंगा। हाँ ईशांत का उस पर नहीं जाएगा ना हाथ, उस पर ऊपर पंख है जो इसके विंग्स हैं जो चले जाएंगे, तो हिमांशु ईशांत दोनों कर दोगे। अच्छा चलो ये बेड बेड कर दो आप इधर, और यहाँ से निकलो, मैं 5 मिनट में ये रूम सेट कर देती हूँ। चलो अच्छा निकलो यहाँ से फटाफट, ये बस बेड कर दो इधर थोड़ा सा ना, दोनों भाई मिलके वो ज्यादा हो जाएगा बेटा। रुको पहले चादर निकाल लो, एक मिनट रुकी शांत, एक मिनट रुको, देखो सारे रूम में क्या करा हुआ भाई शांत, कैसे ये रूम साफ होएगा। ये थोड़ा मैं किधर कर बेटे पैर के साथ कर देगा, चल बस ज्यादा हो गई शांत। अरे अब थोड़ा धक्का मार लोगी या बैठ के भी गिन छूंगा, बस पहले मैं इतना छू। देखो क्या कर रखे है सारे रूम, छोड़ दो छोड़ दो, इतना गंदा रूम क्या हुआ है, तो टिमक तो नहीं निकली है, निकली है दोबारा से देखो, डिमक है डिमक साफ करनी पड़ेगी शायद, थोड़ा और इधर ही करो इसको, मैं जानू लेके आ रहा हूं है, कर ले मैं थोड़ा बैठ पीछे करके फिर कर लो, मैं जानू लेके आती हूं। वो तेरी चेन भी मिल गई, वो देख ये देख मां उठ जा अभी बैठ के ऊपर से, बैठ के पंडित जी बन का मेरे को तो वाईफाई चलाना, मैं सिचुएशन कर दूँ ना क्या? कौन सी सिचुएशन कर दूँ? क्यों? वाईफाई चलाना, मेरे को मेरे सिचुएशन में चलते वाईफाई तो सिचुएशन हाँ क्यों सिचुएशन हाँ क्यों फोन आते करीब करते एयरप्लेन मोड सिचुएशन हाँ नेट पे आएगा तो फोन आते रहेगा, जिसने व्हाट्सएप कॉल करी ना तो भाई तो बेड देखो भाई बेड साफ हो गया, अरे भी इसकी चादर इंगे तो ना हिल जाए बिल्कुल भी कती भी करना है पड़ जो
और बेड कौन साफ करेगा ऊपर से? वो लग तो और तू हाँ जी पंखा कौन साफ करेगा? परमिंदा को, परमिंदा को बेड मानो बिजली साफ कर दिया। वो चादर पूजा ने बिछाई थी, अब पंखा परविंदर को साफ करेगी। ठीक नहीं आया दो फिर चांच करेगा दो। ये यहाँ रख लो, इसको कहाँ रखे हो? ईशांत ने ये रिमोट लो, इसके क्या हालात कर दिए। अगर आपको दूसरा दिखाऊं तो ना दूसरी है भाई, देख लो दूसरे के भी यही हालात बने हुए हैं। और अगर मैं एसी का रिमोट दिखाऊं तो वो भी कम नहीं है, वो भी इसी तरह से है। हुआ क्या इन रूम फिर? ठीक है मैंने थोड़ा खाया मम्मा। आ क्या आईडी चल रहा? चल छोड़ इसको ना, ना। जो बोले क्या वो यार चेयर का क्या काम है? पहले उठाओ है, यहाँ से मेरी हाइट नहीं जाती, ऊपर से वहां साफ करूंगी। रख इसको, आज जल्दी रखो, पकड़ो अपनी बुक्स। हाँ काम करके सारी बुक्स वहीं रख के आया कर। तो ये देखे भाई कितनी धूल कितनी। तो जैसे कि आप सभी को पता मेहमान आ रखे थे तो फिर इनको साफ़ करने का टाइम नहीं मिला, तो आज इनको साफ़ कर दी हूँ। ये देखिए इन पे भी जाले लग गए, तो ये देखिए उठा लो, करंट तो नहीं लगेगा? थोड़ा सी लगेगा है, थोड़ा सी लगेगा। वाले टीवी के पिक्सल लूट गए कहाँ? ये ऐसी आ रही थी बोलता है। ये देखो गोल्ड कैमल मतलब बात है, इसका रंग उतर गया। रंग कहाँ से उतरा है? उतर गया, गोल्ड है ये प्योर। हाँ चांदी है क्या दो? और ये देखिए ये सिल्वर है भाई, प्योर सिल्वर। मैं तो इनको धोखे लेके आती हूँ, एक मिनट रुक। चलो तो भाई ये वहाँ साफ नहीं हुए तो इनको पानी में यहीं अच्छे से धो लेंगे। घास खाएंगे यहाँ बैठ के। ये दोनों रख दिए यहाँ पे। और आज कई दिनों के बाद भाई डस्टिंग करने लगी हूँ, क्योंकि आप सभी को पता कि घर पे काम कितने थे, अगर मेहमान आ जाएं तो काम कितने हो जाते हैं, है ना। तो चलो जी, तो जी यहाँ क्या हुआ था कि ईशांत ने ना टीवी की आवाज़ पूरी कर ली थी, तो इसलिए भी तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इसलिए फिर दोबारा से आवाज़ ऐड करनी पड़ी अपनी, जो मैंने अपनी बात आप सभी के साथ शेयर करनी थी, है ना। तो ये कमरा काफ़ी डर्टी गंदा मैशी सा हो रखा था, तो बस वही था आज। मतलब सभी चले गए थे, सिर्फ हिमांशु रह गया था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कमरे की डीप क्लीनिंग कर दूं, और फिर बस मैं अपने काम में लग गई थी। ये बेडशीट वगैरह निकाल दी है, और जो बेडशीट वगैरह है उसे मैं सुबह धोऊंगी, क्योंकि ना अब मतलब टाइम ज़्यादा हो गया, आपको पता ही है। जैसे कि मैं ये काम शाम को कर रही हूँ, इस कमरे की सफाई जो भी है, तो सारा कमरा क्लीन हो चुका था और मैं फिर आ गई थी अपना झाड़ू पोछा लेके। झाड़ू तो साथ के साथ ही लग ही गया था, और साथ में आ गई थी प्रीशा और कन्वी,
तो मैंने इनको बोल दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आप दोनों ही खेल लो। तो वो कहती नहीं आंटी, हम आपके साथ ही खेलेंगे, आपको पार्क में भी लेके जाएंगे। तो फिर मैं बोल रही थी आज पार्क में जाने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि फिर मैं सोच रही थी साथ के साथ पोछा तो लगा ही रही हूँ और सारे घरों में एक बार से चलो हल्का फुल्का सा लगा देती हूँ, थोड़ा सा साफ सफाई हो जाएगी, है ना। तो बस यही था। और इनको मैं बोल रही थी कि फ़ोन में बैठ के आप गेम खेल लो, तो ये बैठ गई थी दोनों और मैं लग गई थी अपने काम में। तो डबल डबल टॉर्चर हुआ, है ना, डबल डबल टॉर्चर मेरे साथ हो रहा है, उधर से साफ सफाई करनी और इधर ना सबके सब घर हैं, कोई मतलब इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। और तब ना ज़्यादा गुस्सा आता है जब बीच बीच में जब पोछा लगाते हैं, कभी कोई इधर से जाए उधर से जाए, तो वो भी है ना बीच बीच में शांत भी आया था, तो वो मैंने मतलब वीडियो वहाँ से एडिट करके निकाल दी थी और ये रूम वगैरह सारे साफ़ कर दिए। तो धीरे धीरे भाई सारा सामान सेट करूँगी, क्योंकि दो तीन दिन में ही ना मेरा सामान, मुझे ये नहीं पता भाई कहाँ है कहाँ नहीं, मतलब मेरा घर ही मेरे लिए ना अजनबी सा हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा सामान कहाँ कहाँ पड़ा है कैसे पड़ा है, तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। तो बस आज और कल तक मतलब सारा सामान, किचन का भी भाई जो सामान उथल फुथल हो गया ना, जो डिब्बे जहाँ मैंने रखे गिलास बर्तन प्लेट वगैरह वहाँ नहीं है भाई, तो उनको भी सेट करना है। तो मेरा घर ना सारा की सारा उथल फुथल हो गया, और इनको जो बाकी का काम रहेगा वो कल कर देंगे। पोछा तो वैसे डेली लगता ही है क्योंकि धूल मिट्टी आती है ना, तो इसलिए फिर मैंने सारे घर में ही पोछा घुमा दिया और उस रूम की मैंने डीप क्लीनिंग कर दी, बेडशीट वगैरह और मतलब कि जो भी क्लीनिंग थी ना सारी की सारी कर दी, बेड के नीचे से भी साफ कर दिया, क्योंकि बच्चों ने ना जो कुछ खाया नीचे कोने में गिरा दिया बेड की दूसरी साइड। अब मैंने बेड दूसरी साइड मतलब कि साइड में कर दिया था ना, तो उस साइड इन्होंने बहुत, वहाँ से बहुत ही गंद निकला था भाई। तो अब मैं किचन में आ गई थी शाम के चाय वगैरह के जो बर्तन वगैरह है वो साफ़ करूँगी,